पहाड़ी, रुको रुको रुको, एक है ये, मैं नहीं करूंगा ये फालतू की चीज, मैं करूंगी। देखो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे फ्लावर्स हैं, ये हमारा केक है और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और हम पार्टी कर रहे हैं। पार्टी हो रही है, पार्टी कर रहे हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लाइक अब तो ऑफिशियली दीपक का भी हो गया है, नाम नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब वो ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम लोग आप लोगों को इंटरेस्टिंग कुछ करके दिखाने वाले हैं। और वो इंटरेस्टिंग क्या है दीपक? सबसे बड़ा मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग है वो तो ये है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। आज मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, एक्चुअली थोड़ी देर में आने वाली है। झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, थोड़ी देर में मतलब आज इन द सेंस आज 27 इवनिंग हो रही है एंड देन कल हमारी शादी हुई थी। एक्चुअली जो फेरे लगे थे वो 1 तारीख को लगे थे। वो तो यार हिंदुस्तान में सबके साथ ही होता है, शादी की डेट होती है फिर रात को 12 बजे के बाद ही फेरे होते हैं। हाँ, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर बिजी शेड्यूल हम लोग अब फ्री हो पाए और हम अब बैठ पाए हैं। तो हम लोग आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहे थे इंस्टाग्राम पे जो आप लोगों ने रिप्लाई किया और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस दीपक से, मुझसे और हम दोनों से रिलेटेड जानना चाहते हो। तो हमने सोचा इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएं। दीपक कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? हम आपके कुछ जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं हम कोशिश करेंगे उनको आंसर करने की बीच बीच में। और यस हाँ, तो सबसे पहले मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है दीपक, मेरे लिए गिफ्ट्स क्या है? क्योंकि अभी मैं पहले तो तुम्हारे लिए ये मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। कितना झूठा है ये, मैं अभी लेके आई हूँ इसके लिए। नो, इससे काम नहीं चलेगा। नो, मेरा गिफ्ट क्या है? मेरा गिफ्ट का अभी चलो तो एक काम करते हैं, तुम लेके आओ जो तुम मेरे लिए लाए हो। छुपा रखा है पता नहीं क्या। और मैंने जो इसके लिए मंगाया है वो मैं लेके आता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ क्या देखना? नहीं, आंख बंद कर तू अपनी। अरे ठीक है, तो पैक करके लाना चाहिए था ना यार, इतना टाइम नहीं मिला मुझे पैक करने का। पर एक चीज तो ऐसी है जो तुम्हें दिख जाएगी ऊपर से। आओ, और दूसरी दूसरा आइटम है ये, ये इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं आपको। तो मेरा क्या है? मेरा तो ये मैंने तुम्हारे लिए मंगाया, पैक नहीं किया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, सॉरी। और दीपक ने ही ये रिसीव किया था क्योंकि ठीक है, पर ये दीपक के लिए मंगाया है मैंने। और अभी दीपक को खुलवाते हैं और देखते हैं उसे ऊपर तो और फ्लावर्स एंड ये केक। So, ये है मेरा छोटा सा तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये तो बड़ा सा गिफ्ट हो गया यार। मेरा गिफ्ट जरूर छोटा सा है। अच्छा चलो दीपक एक मिनट इसे आगे करो। तो गिफ्ट आगे खोलने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन दीपक, हमारी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? हमारी लव मैरिज थी, हमारी लव मैरिज हुई है। प्योर लव मैरिज, लव कम अरेंज नहीं, अरेंज कम लव नहीं, वो जितने भी रूल्स हैं वो सब नहीं, हमारी बिल्कुल 100% लव मैरिज हुई थी। चलो अब खोलते हैं गिफ्ट और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपने जो पूछा उसका पहले तुम दिखाओ तुम्हारे पास क्या आइटम है। मेरे पास तो कभी आइटम है यार, हमारा डब्बा ज्यादा बड़ा लग रहा है। इट्स ओके दीपक, इससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि आप। चलो दिखाओ। तो दीपक को एक बहुत ही अच्छा गॉगल की जरूरत थी और गर्मी आ गई है तो मैंने सोचा कि दीपक के लिए गॉगल मंगाया जाए जो मैंने ज़ेलेंडो से मंगाया है। तो दीपक दिस इज फॉर यू एंड आई थिंक ये फ्रेम तुम पे अच्छा लगेगा, तो तुम प्लीज पहन के दिखाओ। दिख तो मस्त रहा।
तो आप लोग बता रहे हैं ये फ्रेम कैसा लगा, मुझे ये फ्रेम बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये दीपक के लिए ऑर्डर करा। सही है, फिट भी है और लग भी अच्छा रहा, इट्स गुड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अपन लोग इंडिया में ज्यादा एंजॉय करते थे या जर्मनी आके हमने ज्यादा एंजॉय करना स्टार्ट किया, ये हमसे किसी ने पूछा। एज ए कपल, एज ए कपल ऑफ कोर्स। मुझे लगता है दोनों जगह हमने बहुत एंजॉय किया, इंडिया के अलग ही मजे थे वहाँ के, और यहाँ के भी अलग ही मजे हैं, और मेरे ख्याल में हम दोनों साथ में ही खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता जगह का ज्यादा फर्क पड़ता है। हम मतलब कोई भी जगह हो, इट डजेंट मैटर, वो जर्मनी हो, इंडिया हो, इंडिया में भी कोई सी जगह हो और जर्मनी में भी कोई सी जगह हो, हम जहाँ पर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं वो जगह हम इंजॉय करते हैं। एंड हम दोनों का थोड़ा जो नेचर है वो भी ऐसे ही है कि हम इंजॉय ज्यादा करते हैं देन कंप्लेंट्स, है ना? ऑब्वियसली मैं तो कंप्लेंट करता हूं। मैं भी बहुत कम करने लगी हूं इसके साथ रहके। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बाद दीपक मेरा बताओ पहले। ये तो तुम्हें देख ही रही है यार ऊपर से। ओके, तो दीपक ने फाइनली मेरे लिए कुछ कपड़ा ऑर्डर किया जो इसे बहुत डर लगता है ऑर्डर करके। हां, क्योंकि मैं कुछ भी ऑर्डर करूं इसको पसंद नहीं आता। जो आई थिंक दिस इज क्यूट, पहन के दिखाऊं क्या? पहन कर दिखाना ऑब्वियसली। अभी? अभी इसके बाद। ओके, सो ये एक ड्रेस है जो समर ड्रेस है जो मुझे समझ में आ रही है। कुछ बता तो रही नहीं है, कैसी लगी, कलर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मतलब ऐसे अच्छी नहीं लगी शायद? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। चलो पहन कर दिखाना। एक्चुअली बहुत अच्छी लगी, बहुत ही जल्दी पहनूंगी मैं। क्वेश्चन ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसका आंसर नहीं देने वाले अभी, कि हम लोगों की पूरी लव स्टोरी प्लस किसने किसको प्रपोज किया था। दो क्वेश्चन थे जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ दीपक, ये वाला इसका आंसर मैं क्यों नहीं दे रही। मैं तो अभी बता दूं लेकिन सुरभी ने डिसाइड किया है, सुरभी ने, हमने डिसाइड किया एक्चुअली कि जब 50K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद हम अच्छे से अपनी पूरी लव स्टोरी आपको बताएंगे, और हो सकेगा कुछ चीजें दोबारा से शूट करेंगे, देखेंगे, रिक्रिएट करेंगे, तो वो है प्लान। हम दोनों की स्टोरी हमारे लिए सबसे फेवरेट है, बहुत सारे अप्स डाउन्स प्लस बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, तो हम बहुत अच्छे से आपको बताना चाहते हैं, बट अगेन हम ये भी चाहते हैं कि एक इनफ नंबर्स ऑफ फैमिली हो जाए और उसके बाद हम बताएं। तो सॉरी गाइज, अभी नहीं बता रहे हैं पर बहुत जल्दी आपको बताएंगे, और आपको ही शेयर करके हमें 50K तक जल्दी पहुंचाना पड़ेगा। नेक्स्ट गिफ्ट आइटम ये। अच्छा, अब इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ, ये इसने वहां रखा हुआ है दो दिन से, आई गेस दो तीन दिन हो गए। हाँ, दो दिन से, एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है गेस करो ये क्या है, अब बताओ आप इसमें। अब मैंने क्या गैस किया कि दीपक सुरभि कहती कार की चाबी है क्या? मुझे मिनी कूपर अच्छी लगती है, कार की चाबी है क्या, या हमारा नए घर की चाबी है क्या? तो जो खोलो, खोल सकते हैं क्या? हाँ, आप तो ओपन कर सकती हो ना। तो हो गया एनिवर्सरी किसका? दो आई थिंक रिंग है, क्योंकि मैंने दीपक को बोला था कि मुझे एक अच्छी रिंग चाहिए, आई गेस शायद अब मुझे ऐसा लग रहा है वो है। हैं, सही पहचाना क्या? आप जब तक कमेंट करो आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है, ऐसा तो नहीं पत्थर रख के दे दिया? नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है। ओके ओके, क्या है ये? ये है चेन, गोल्ड चेन। गोल्ड चेन दीप, ओके इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? तो चलो पहना दो। इसकी मैं बहुत दिन से जुगाड़ में था, बहुत रिसर्च करके मैंने ढूंढी है ये। वैसे तो शायद मैंने कभी डिस्कस किया है या नहीं, मुझे गोल्ड ज्यादा, इससे मुझे कुछ एक वो भी मिला है आइडिया
जर्मनी में गोल्ड का क्या सिस्टम है मैं बताऊंगा आपको फुर्सत में। हाँ, तुमने कैसे ऑर्डर किया, कहाँ से ऑर्डर किया? एक्चुअली मेरे को, मैं ऑनलाइन नहीं लेना चाहता था क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग एन इंडियन हमें डर लगता है कि पता नहीं गोल्ड की जगह क्या भेज देंगे। तो मैंने जाकर यहाँ पर जो कुछ शॉप्स हैं उनमें पता किया था, उनको कॉल किया, उनको कॉल करके फिर वहां से ली है ये। और यहाँ पर मतलब बेसिकली जैसे इंडिया में होता है ना 18 कैरेट और वैसा गोल्ड नहीं होता है यहाँ पर, या 22 कैरेट गोल्ड वो नहीं होता है यहाँ पर, होता है 8 कैरेट 10 कैरेट, तो वो तो गोल्ड ही नहीं मानेंगे इंडिया में। तो मुझे बड़ी मुश्किल से ये 14 कैरेट ढूंढ के लाया मैं, और वो भी रेडी नहीं थे देने के लिए क्योंकि सब बंद है, सारी शॉप्स बंद है। तो मैंने फ़ोटो खींचे, उनको कॉल किया, उनसे बोला मुझे चाहिए कैसे भी करके, तब जाके उन्होंने अरेंज किए। थैंक यू, सो इट्स अ वेरी नाइस गिफ्ट। और अब मेरा वाला खोलो, कहाँ है दो तो। ओके सॉरी, सो ये मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ। ये मैंने दीपक से ही पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। इसने मुझे कुछ कुछ चीज़ें बोली, वो मैंने अपने हिसाब से ऑर्डर कर दी ज़ालेंडो से। तो ये सब चीज़ें इसके लिए मैंने ऑर्डर करी है। ऑफ कोर्स आई होप कि इसे अच्छा लगे। ये तो मुझे बहुत दिन से चाहिए थी, अब गर्मी आ गई, वाह यार। तो अब सस्ते ब्रांड से महंगे ब्रांड पे हमने शिफ्ट किया इस मंथ से। वाओ, ये सो मैंने इसके लिए बहुत सारे लोअर, टी शर्ट, एडिडास, नाइकी वो सब ऑर्डर करी है क्योंकि इसको चाहिए था ये। नाइस यार, ये तो मस्त आइटम आ गया मेरे लिए। ये भी एडिडास, एडिडास वालों से डील हो गई क्या तुम्हारी? सुबह कुछ नहीं, मैंने सोचा जो तुम्हें पसंद आएगा तुम रख लोगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक चीज होती है कि 14 डेज तक, और अब तो 1 मंथ हो गया है, आप कभी भी और मतलब जो भी आपको कैंसिल करना है, रिटर्न भिजवाना है, आप भिजवा सकते हो। तो इसलिए मैंने ये किया था। एंड अदर देन ब्लैक कुछ मैंने कलरफुल भी इसके लिए ऑर्डर किया। नाइस, सो ये थी मैं मेरी इसके लिए। ऑफ कोर्स इट्स नॉट वाओ, बट वाओ इट इज मोर देन वाओ, मुझे तो यही चाहिए था यार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दीपक। हैप्पी एनिवर्सरी, फूल को फूल, फूल को फूल, इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारी कोई सी जिसमें हमने बिग इश्यूज सॉल्व करें। मैं इसलिए तुम्हारे ऊपर कैमरा रखा हुआ है बिकॉज आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। क्या मतलब, ये तो इंटरव्यू क्वेश्चन है। बट समथिंग वेयर वी हैंडल सम बिग इश्यूज जो हमें बहुत ही स्मॉल लगे हो, जो बहुत बड़े मेरे ख्याल में यार नहीं है ना। आई थिंक हम सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं, डिपेंड करता है माइंडसेट पे यार। मुझे तो मतलब ऐसे कोई भगवान अभी ऐसी कुछ सिचुएशन आई है ना, है ना, आई है ना आए कि कुछ ऐसा जो हम सोचे कि बहुत बड़ा हुआ है। बाकी सब नॉर्मली है हमारी लाइफ में, कुछ ऐसा कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे हुआ है भगवान की दुआ से। एंड देन आप लोगों की लव स्टोरी, आपकी लव स्टोरी, आपकी एंटायर लव स्टोरी, आपकी फुल लव स्टोरी, आपकी स्टार्टिंग टू लास्ट फुल स्टोरी, ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो भरे पड़े हैं। जवाब देगी ये कैमरे के पीछे वाली लड़की। अगेन मैं अभी नहीं आपको लव स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, मैं बस जो क्वेश्चंस जनरल थे अबाउट हम लोग की लाइफ कैसे चेंज हुई यहाँ पर, कुछ डिफरेंस हमें लगते हैं क्या इंडिया वर्सेस यहाँ पर एज ए कपल, प्लस किसी ने हमसे पूछा कि आप लोग कैसे मतलब घर का काम, प्लस दीपक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमेशा दिखता है कैसे मतलब इतना। तो मेरे को बस इसका यही आंसर देना है कि हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने भी आंसर किया है कि 13 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और हम लोगों का ये जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो हुआ है।
एंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है एंड दैट्स द रीज़न हम दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं. ऑफकोर्स दीपक का ज़्यादा दिखता है कैमरे में, बट या मैं भी बहुत सारी जगह पर सपोर्टिव हूँ. एंड हाँ ऑफकोर्स ही इज़ मोर सपोर्टिव, बट या वी आर हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम प्रॉपर फिट बैठते हैं. एंड उसका आंसर ये है. बाकी हमारी एंटायर लव स्टोरी तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा एंड आप लोगों को हमारा जो YouTube चैनल है उसे ग्रो करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, तो वो हम बाद में बताएंगे. और अभी के लिए हम क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब क्या करते हैं, क्या होता है, हाँ अभी के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, बाकी जल्दी और भी बताएंगे अपने बारे में. अब हम लोग केक काटते हैं और अपना जो आज का कार्यक्रम है वो स्टार्ट करते हैं. काम करते हैं, आधे तुम मुझे दे दो, आधे मैं तुम्हें दे देती. उसको ओपन करूंगा तो इसकी ब्यूटी चली जाएगी. तो एक्चुअली हम एक दूसरे को देते हैं फूल और अब हम केक कट करेंगे. और हमने आपको बता दिया हम कैसे सेलिब्रेट करें, जस्ट केक कट करेंगे, अभी खाना खाएंगे एंड देन सो जाएंगे एंड देन कल का सेलिब्रेशन कल करेंगे. कल है हमारी एनिवर्सरी, कल शायद हम बाहर जाएंगे और अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो ऑफ कोर्स उसका ब्लॉग करेंगे. और आपको मुझे ऐसा लगता है शायद ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि हमने अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करी इसमें और दीपक ने मेरे लिए सरप्राइज पहली बार प्लान किया. आई थिंक पहली बार प्लान किया दीपक किया एक दो बार, पर तुम्हें अच्छे नहीं लगते मेरे सरप्राइजेस. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पहली बार मतलब अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे पता ही नहीं था कि इसके बैकग्राउंड में क्या चल. फोन का तुम्हें पता था क्या? नहीं, उसमें तो मैं बहुत शॉक हो गई थी. मैं इतनी शॉक हो गई थी उस फोन को लेकर कि मैं इससे कह रही थी नहीं 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 इसे वापस भेजो. एंड इसी के साथ फिर हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, अपना इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करो. आपको हमारी जो भी छोटे मोटे हमने आपको आंसर दिए कैसे लगे, अभी भी आपके लिए मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट करो लाइक, और हम उसके आंसर्स देंगे जब भी नेक्स्ट हमारा Q&A होगा. और हम आपको ऐसे मिलते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे, हमारी लाइफ जर्मनी में जो भी है वो हम आपको बताते रहेंगे. और दीपक तुम भी कुछ बोल सकते हो. बोलने नहीं देते. तो ये देखो, ये मैं नहीं बोलने देती, इसकी बातें सुनो. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं, तुमने इतना बोल दिया. बस आप भी खुश रहो, हैप्पी रहो और एंजॉय करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अच्छा हाँ, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना. हां बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय. You can't control it. You make me feel something much stronger. Something that I may never forget. I just want this to be longer, longer, yeah, longer.